खबर शामिल करते हैं लाहौर से। मलिक बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक नून लीग के वर्कर मलिक रमजान की रस्म वलीमा की तकरीब जामन गाँव की गई। इस तकरीब में MNA राना मुबशर इकबाल, MPA सैफुल मलूक खोखर, MPA अख्तर हुसैन बादशाह, लीगी रहनुमा शबीर अहमद उस्मानी मेहमान खसूसी थे। जबकि इस मौके पर लीगी रहनुमा चौधरी नवाज लुधड़, लीगी रहनुमा गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी, साबिक चेयरमैन बशारत विर्क, सियासी रहनुमा मलिक वसीम अवान, सलीम मुगल, हाजी जुमा खां, साबिक चेयरमैन साजिद अमीन, साबिक चेयरमैन डॉक्टर गयासुल नबी समेत दीगर सियासी कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की और मलिक रमजान को ढेरों मुबारकबाद पेश की। नई अस्तवाजी जिंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तकरीब में आने वाले मेहमानों की तवाज़ा मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम के खानों से की गई। जबकि इस मौके पर शुरका का कहना था कि मलिक रमजान की सियासी मेहनत और लगन हमारे लिए वाइस से फख्र है। नून लीग को ऐसे निडर और मेहनती वर्कर्स पर फख्र है। मलिक रमजान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत बड़े वर्कर हैं और ये गरीब घराने से इनका तल्लक है। आप इनका देखें, आज हमारे हलके, दो हलके, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और राना मुबशर साहब के हलके से जितने चेयरमैन और जितने हमारे वर्कर हैं और सार MPAs भी और सार सब लोगों ने इसके शादी पे शिरकत की है और इसको मुबारकबाद दी। आप कुछ कहना चाहते हैं? खूबसूरत बने रहे। मेरा पीछे जा रहा मोहम्मद रमजान बड़ा प्यारा है। अल्लाह पाक इन वलीमा मुबारक हो, शादी मुबारक हो। इन्हें पूरे हल्के मियाँ शबाशी और राना मुबशर इकबाल के हल्के सारे पूरे इलाके इन्नी वर्कआउट है कि समझ लो कि हर पिंड हर देहात दे बच्चा बच्चे नाल इंदा रिलेशन है। तो लिहाजा सारे लोग इंदी मुहब्बत की खातर दूर दराज तो तशरीफ लियाए ने ते सारे असी दिल दी अगराइयां नाल इन्हूं मुबारकबाद पेश कर। डॉक्टर साहब, आपके तो घर का इवेंट है, आपकी यूनियन काउंसिल है। अली भाई, ये बेटा है हमारा, बच्चा है, मैं इसे बहुत मुबारकबाद देता हूं। इसके बहुत इकबात है बच्चे के लिए। और देखें, ये नॉन लीग जो एक फैमिली है तो ये सारे लोग जो थैंक यू, शुक्रिया। बड़ी मोहब्बत करता है नौली के साथ, एक ज्याले की शादी के आपने, इस पे आपके क्या ख्याल? अभी भी ख्याल करने, सारी क्यादत आ गई। अब क्या ख्याल करने, अब तो ख्याल दुनिया को करना चाहिए इसका। इस सारी क्यादत आ गई, इसमें क्या खूबी है? अब तो पूरे गांव के इलाकों को देखना चाहिए कि ये जो चमकता हुआ सितारा, सारी क्यादत आ गई, क्यों डरते हुए आई है? मोहब्बत से आई है, मोहब्बत में सारी मुस्लिम नून पूरी आ गई है और इसका हक बनता है, इससे भी ज्यादा हक बनता है। रमजान एक बब्बर शेर है हमारा और बेलौस, कोई ऐसी इसमें कमी है ही नहीं। सर शुक्रिया, थैंक यू। का एक सितारा है, इसके वलीमे में आप आए, क्या ख्याल आते हैं आपके? रमजान, मलिक रमजान एक बड़ा जोशीला और बड़ा जज्बाती बड़ा मुखलस कार है इस इलाके का। और माशाल्लाह आज इसकी जो दावत वलीमा है, इसमें सारे इलाके की जो प्यारा था, जो मौजा शरीफ आया था, उन्होंने सारी इधर दावत भी आई हुई है और बड़ा अच्छा फंक्शन हो रहा है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खानों का इंतजाम किया है और सब दोस्त आए हैं। इतने दोस्त किसी बड़े फंक्शन में नहीं जाते, जितने सियासी सोच रखने वाले इस पूरे हल्के के 132 के लोग इधर मौजूद हैं और बड़े जोश खरोश के साथ ये दावत वलीमा जारी है। लोग आ रहे हैं, खाने खा रहे हैं। माशाल्लाह हम दिली तौर पर इसकी अफवाजाई करते हैं, इसे मुबारकबाद पेश करते हैं और इंशाल्लाह इसकी जो मेहनत है पूरे हल्के के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर क्यादत को भी इलम में है और पूरे हल्के की सारी क्यादत के इलम में है इंशाल्लाह। और हम सब इसके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इसी तरह इसको मेहनत करने की तौफीक दे और इसके जज्बे को बरकरार रखे। जिंदाबाद। रमजान, आपके क्या ख्याल है, क्या जज्बात है जो आपकी तरफ आए हैं? तो अल्लाह ताला का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो अल्लाह ताला ने इज्जत रखी, जो चेयरमैन पूरे MPA ने अपनी पूरे 132 के अंदर पूरी टीम को मैंने दावत दी, सारे आए हैं, अल्लाह ताला इनका। चलो सर साहब खड़े हो। ये तो शादी की जो इसके इंतजार था शादी का, तमाम इसने मुस्लिम लीग को एक्टिव कर दिया। इसको इस मौका पे हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और मेरे वो भाई जो असद राज से कभी कभार मुलाकात होती थी महीनों बाद, आज सारे इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए हैं और इस दूल्हे को हम शादी की मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला ये जो कपल बना है
इनको खुशियाँ दे और ये अपनी अच्छी ज़िंदगी जो बसर करें और इनको आबाद करें, दोनों ख़ानदानों का मुलाब हो, हम सब के लिए खुशियों का बैठ है सर। थैंक यू वेरी मच। लोगों थोड़े से आगे करें। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे और मुल्क काम की तरफ काम देंगे। सर अलिया साहब आप क्या कहना चाहेंगे कि आजकल जो हालात जो कशीदगी चल रही है मुल्क में, एक अब तक चल गई और मुल्क के हालात कब बेहतर होंगे? इंशाल्लाह जल्दी हो।